हम लोग कल बहुपद के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद जिसका शून्यक मालूम है, शून्यक मालूम है तो बहुपद याद करने के लिए भी तो हम पढ़ेंगे त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। सामान्य रूप त्रिघातीय बहुपद हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी के रूप में होता है। यदि शून्य किसका तीन शून्य होगा क्योंकि त्रिघाती है तो इसका शून्य अल्फा बीटा तथा गामा हो तो सूत्र होता है शून्य को वायु मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटे ए। फिर दो दो शून्य के गुणनफल का योग तो अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बटे ए। और तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू डी माइनस डी बटे ए। और त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यह सूत्र है, ये सब सूत्र है, इसको याद करना है। तीन सूत्र है, एक सामान्य रूप हुआ, फिर शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का योग और शून्यकों के दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग। फिर ये हुआ त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप, फिर ये हुआ और एक ये हुआ। अब इसके बाद है त्रिघातीय बहुपद का ज्ञात करें औसतन स्थिति के आधार पर सूत्र के त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग दो 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 शून्यकों के गुणनफल का योग माइनस सात तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल माइनस चौदह है। तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि शून्यकों का योग दो है, मतलब शून्य के यदि अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू टू। इसके बाद दो दो शून्यकों का गुणनफल का योग माइनस सात अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस सात तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल चौदह है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस चौदह। अब त्रिघातीय बहुपद का सूत्र जो यहाँ लिखे हैं एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये त्रिघातीय बहुपद का सूत्र होता है। अब सूत्र में हम मान रखेंगे एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दो है तो यहाँ दो रख दिए दो एक्स स्क्वायर रख दिया। फिर इसके बाद यहाँ अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इसका मान माइनस सात है तो यहाँ प्लस है और ये पूरा के जगह पर माइनस सात एक्स रखती है। फिर इसके बाद माइनस है अल्फा बीटा गामा माइनस चौदह है तो यहाँ माइनस ये फार्मूला में है और इसका मान माइनस चौदह है तो माइनस चौदह रखती है। अब इसको हल करेंगे तो एक्स क्यूब दो एक्स स्क्वायर यहाँ दो माइनस दो एक्स स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस सात एक्स और माइनस माइनस प्लस चौदह एक्स, यही आंसर हुआ एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस चौदह, ये हुआ त्रिघातीय बहुपद। अगर ये इस तरह का है ये मालूम है तो हम इस तरह से त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, यही आंसर हुआ। थैंक यू।